हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत मेजर फैक्टर और है जिस पे डिपेंड करती है वो है ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट से हम क्या समझते हैं ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट का मतलब है कि कितने ग्राफ्ट हमने लगाए स्कैल्प में हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान और उसमें से कितने परसेंट ग्राफ्ट सर्वाइव किए या टेकअप हुए या मतलब ग्रो हुए प्रॉपर हेयर के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट हो वो मैक्सिमम पॉसिबल हो अब हम ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं देखिए एक फैक्टर जो सबसे ज़रूरी है ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट को अच्छा रखने के लिए वो ये है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट जहाँ करवाएं वो एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हो एक ऐसा क्लिनिक हो जो प्रॉपर हाइजीन और स्टरिलिटी का ध्यान रखे इन्फेक्शन रेट कम से कम हो इसके अलावा और दूसरे फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट को अच्छा रखने में अगर हम अच्छी ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट की बात करें तो वो रहती है 90 टू 95 परसेंट जो कि एक किसी भी एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के साथ आप जो कि प्रॉपर ओ टी मेंटेन करते हैं स्टर्लिटी मेंटेन करते हैं आप बड़े आराम से पा सकते हैं और जो फैक्टर ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट को बढ़ाते हैं वो ये है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जो प्रोसीजर होता है हेयर ट्रांसप्लांट का जिसके अंदर की मल्टीपल स्टेप्स होते हैं एक्सट्रैक्शन फिर ग्राफ्ट डाइसेक्शन या स्लिवरिंग या ग्राफ्ट प्रिपरेशन उसके बाद इम्प्लान्टशन इन सारे स्टेप्स के दौरान मैग्निफिकेशन का या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि छोटे से छोटे बाल की जो रूट होती है वो भी क्लियरली दिखाई दे और उसके अराउंड एडिक्वेट टिश्यू या फिर जिसे हम कहते हैं कि बॉडी के सेल्स रहें और जो रूट है उसको डैमेज होने का चांस कम से कम हो जाए इसके अलावा और चीज़ जो हम कर सकते हैं ग्राफ्ट सर्वाइवल बढ़ाने के लिए वो ये रहता है कि ग्राफ्ट को ड्यूरिंग प्रोसीजर जो हम प्रिजर्व करते हैं वो स्पेशल सॉल्यूशंस के अंदर प्रिजर्व करें अपना पीआरपी के अंदर प्रिजर्व करें जिससे कि ग्राफ्ट की जो लाइफ है वो बढ़ती है और प्रोसीजर के दौरान दुरा, जो वेटिंग पीरियड है उसके अंदर ग्राफ्ट अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है और वो डैमेज होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं तो ड्यूरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोसीजर ग्राफ्ट को तरीके से प्रिजर्व करना ग्राफ्ट को पूरे तरीके से हमेशा हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है ग्राफ्ट की सर्वाइवल और हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए अगर ग्राफ्ट प्रॉपरली स्टोर नहीं होते हैं प्रिजर्व नहीं होते हैं या फिर डिहाइड्रेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर तो वो ग्राफ्ट टेकअप नहीं होते हैं और सर्वाइवल रेट जो होती है ग्राफ्ट की हेयर ट्रांसप्लांट में वो बहुत कम हो जाती है और हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्ट प्रोसीजर्स भी हम हमने हमारे पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद रेगुलर इंटरवल्स पे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है कैसे कैसे अपने स्कैल्प का ध्यान रखना है जिससे कि ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट हम और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से और एक अच्छे क्लिनिक पर करवाएँ और एक प्रॉपर रेगुलर पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट ट्रीटमेंट चीज़ों को हम फॉलो करते रहें तो हम आराम से 90, 95 परसेंट तक ग्राफ्ट की सर्वाइवल रेट अचीव कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी है और एक अच्छा घने बालों वाला हेयर ट्रांसप्लांट का फाइनल रिजल्ट हम पा सकते हैं